तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये रोटी कैसरोल। आज इसका इनॉग्रेशन होगा, आज नए तवे पे बनेंगी रगड़ा पे की। मार्केट में भी नहीं मिलेंगी यार इतनी सस्ती, तो 616 रुपए ही तो है केवल, तो इसमें आपको 5 सर्विंग स्पून मिल रही है। मुझे तो बहुत पसंद आया ये। अब बन गई ना बिल्कुल एकदम शाही इमली की चटनी। What if we run out of time and second chances, empty handed? You like the fast life, you like to drive and get down and dirty, act like the bad guy. You want some love, be like when you feel like calling at midnight. Good morning दोस्तों, तो आज मैं किचन में बनाने वाली हूँ मेरी फेवरेट चाट। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आलूओं को बॉईल कर लिया था, और यहाँ पर मटर है ना, सफेद मटर, उसको मैंने पूरी रात सोख करके रखा था पानी में, हल्का गुनगुने पानी में। और ये मटर कुछ इस तरीके से दिखती है, मार्केट में इजीली मिल जाएगी आपको, सफेद मटर बोलते हैं इसको। तो इसमें भी मुझे 4 से 5 विसिल लगानी थी। इसमें मैंने हल्का सा सॉल्ट डाला है, थोड़ी हल्दी डाली है, और ये वही मटर है जिसे हम कुलचे के साथ भी खाते हैं, मटरा कुलचा जिसे बोलते हैं। और इसमें बस मैंने ये दो चीजें डाली और इसे विसिल लगाने के लिए छोड़ दिया। साथ में गर्म पानी में मैंने भिगो दिया है गुड़ और इमली, इसे मैं 3 से 4 घंटे के लिए भिगो रही हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। जस्ट शावर लेकर बाहर आई हूँ और बाल भी आज वॉश किए हैं, थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है बाल वॉश करने से। आज बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है सुबह से। चलिए हल्का सा मॉर्निंग वाला अपना रूटीन कर लेती हूँ और उसके बाद चलते हैं किचन में। आंखों में काजल लगा के रखना मेरा फेवरेट काम है, और मैंने इस टाइम लगाया हुआ है लैक्मे का आइकॉनिक। कुछ लोग पूछते हैं एक्चुअली ये काजल फैलता नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका काजल फैल जाता है, दिक्कत है आपको इस टाइप की, तो आप क्या कर सकते हो ना, इस टाइप का ब्रश आता है, एंगुलर ब्रश होता है इस टाइप का, उससे बस हल्का सा यहाँ पे स्मज कर लीजिए। तो जितना आप स्मज करोगे बस उतना ही फैलेगा, उससे ज्यादा नहीं फैलेगा। तो चलिए पूजा करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रगड़ा पेटी। ये मुंबई की ना बहुत ही ज्यादा फेमस डिश है, जो कि एक स्ट्रीट फूड है। नॉर्थ साइड में हम इसे टिक्की बोलते हैं, लेकिन रगड़ा पेटी और टिक्की में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। रगड़ा पेटी जो मुंबई में बनती है, वहां पर इसमें ऐसा क्या स्पेशल डालते हैं कि इसका नाम रगड़ा पेटी है, उसके लिए मैंने ये जो व्हाइट मटर है ना वो बॉयल करके रखी है, और इसमें मुझे लगानी है 5 से 6 विसल। बेसिकली जो पैटी होती है ना उसको हम रगड़ा में मिक्स करके तब बनाते हैं। तो रगड़ा बनता है सफेद मटर का, और यहाँ पर मैं जो आलू है ना इनको अच्छे से कद्दूकस कर लूंगी। आप चाहो तो हाथों से या फिर मैशर की हेल्प से इसे मैश कर सकते हो। एक और टिप जो मैं आपको दूंगी यहाँ पर, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जब भी कभी भी आप टिक्की बना रहे हो या पैटी बना रहे हो, ये वाली रगड़ा पैटी, तब आपको क्या ध्यान रखना है ना कि आलूओं को ना ओवर कुक नहीं करना है। आलू बॉईल करते समय आपको ज्यादा पानी नहीं डालना है कि आपने खूब भर के पानी डाल दिया, खूब सारी विसल लगा दी, और आलू क्या होंगे ना वो उनमें पानी भर जाएगा, फिर वो टिक्की बनाना इतना आसान नहीं रह जाएगा। तुरंत तुरंत बॉईल करे हुए ना बनाए, वरना बहुत ज्यादा टिक्कियां परेशान करती हैं फिर। और अगर हो भी जाता है ऐसा, तो उसका मॉइस्चर लॉक करने के लिए आप थोड़ा सा उसमें वो डाल सकते हैं ब्रेड क्रम्स। वैसे मैं इसमें भी डालूंगी थोड़े से ब्रेड क्रम्स, लेकिन वो बहुत जल्दी मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेती हैं, तो जो पैटी है वो बनाना आसान हो जाता है। इतनी अच्छी सनलाइट आ रही है ना ब्लाइंड्स में से, अच्छा लग रहा है। फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पर टिक्की की पूरी तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए जो हरी धनिया की चटनी बनेगी, मीठी सॉल्ट बनेगी, वो सब मैं बना के अभी प्रिपेयर कर दूंगी। ये ना हम लोग लंच में नहीं खाने वाले, खाएंगे हम लोग इवनिंग स्नैक्स में। और सुबह मेथी के पराठे के साथ हमने दही ले लिया था, तो वो खा लिया था। उसके बाद प्रशांत निकल गए थे अपने काम से, तो ये जो तैयारी कर रही हूँ मैं इवनिंग स्नैक्स की, अभी से तैयारी करके रख दूंगी, फिर फटाफट फटाफट सीख जाएगी, टाइम नहीं लगेगा फिर बनने में। तो प्रिपरेशन में ही थोड़ा टाइम लगता है, बनाने में तो वो बिल्कुल भी समय नहीं जाता। और जब मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी ना, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ किचन के कुछ न्यू आइटम्स जो मैंने अपने किचन के लिए मंगाए, और वो मैं आपको एक एक करके सब दिखाऊंगी। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मंगाई है मैंने किचन के लिए। मैं
प्याज को चॉप कर लिया है, साथ में बीटरूट को कद्दूकस कर लिया, दोनों को मिक्स करके इसमें हल्का सा लेमन डालूंगी और थोड़ा सा सॉल्ट, और ये हम ना टिक्की के ऊपर डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर आपको पता है मेरा घर पर आज टिक्की बनाने का दिल क्यों किया, क्योंकि ये जो टिक्की है ना, जो मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, जो महाराष्ट्र में बनती है रगड़ा पेटी के नाम से, ये जो टिक्की है हमारे यूपी साइड में तो मटरे के साथ मिलती है, लेकिन जो दिल्ली नोएडा इधर की साइड से है ना, इवन ये गाजियाबाद वगैरह ये सारी जगहों पर ना मटरा वाली टिक्की नहीं मिलती स्पेशली। यहाँ पर क्या होता है, हरी धनी की चटनी डालेंगे, थोड़ी सी मीठी सॉल्ट और दही डाल के, और थोड़े से बहुत मसाले डाले और आपको दे दिया। तो मटरा जो होता है ना, वो वाली जो चाट होती है, जो स्पेशली मैं अपने बचपन में खाती थी जब मैं बुलंदशहर रहती थी, तो बुलंदशहर में ना ऐसे मटरे वाली चाट बनती थी, और चौराहे पे हमारे यहाँ कहते काले आम पर, तो वहां पर ना बड़ा ही मजा आता था खाने में। वो वाली जो टिक्की का स्वाद है ना, कभी कभी मुंह में आता है, लेकिन वो मार्केट से फुलफिल नहीं हो पाता, तो इसी वजह से मैं ये घर पे तैयार कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही अपने बचपन की यादों को ताजा करने के लिए। गरम पानी में मैंने 4 घंटे के करीब इमली को भिगो के रखा था। अब मैं क्या करने वाली हूँ ना, इसको पीसने वाली हूँ, इससे ना इसका गूदा बहुत अच्छे से पिस जाएगा, फिर हम इसे छान लेंगे, तो इससे मैक्सिमम निकल के आ जाता है बाहर इमली का पल्प। और ये जो थोड़ा सा मैंने बचाया है वो हरे धनिया की चटनी में डालने के लिए, जरूरी नहीं है आप भी ऐसे ही करो, आप क्या कर सकते हो छलनी में ऐसे ही छान सकते हो, लेकिन ये इस तरीके से ज्यादा पल्प निकलेगा। को ध्यान रखना है कि आपकी जो इमली है ना, वो सीड लेस होनी चाहिए। मैंने देखकर तब बनाया है इसको, मैंने जो मुझे लग रहा था कि सीड है इसमें, वो मैंने निकाल लिए थे। तो ये देख सकते हो आप कितना फाइन पीस किया है, अब इसे हम छान लेंगे। इमली की चटनी बनाने के लिए मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच लिया था ऑयल, और उसमें डाला जीरा, सौंफ और थोड़ा सा हींग डाला है। उसके बाद मैंने इमली का जो पल्प था वो इसमें डाल दिया, थोड़ा पानी डालकर इसको एक बॉयल आने देते हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे और ये इमली की चटनी तुरंत बन जाएगी। यहाँ पर मैंने गुड़ को भी ना इस तरीके से गर्म पानी में मेल्ट कर लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं ज्यादा पानी की क्वांटिटी नहीं रख रही हूँ, वरना बहुत ही रनी बन जाएगी। और जब कभी इमली की चटनी बनाए ना, तो उसमें जितना गुड़ डाल लेना उतनी आप शुगर भी डाल सकते हैं, उससे क्या होता है ना टेस्ट इनहेंस होता है और काफी अच्छा फ्लेवर आता है फिर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें 1 उबाल आ चुका है। 1 उबाल आने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये गुड़ का पानी, या गुड़ आप जो भी चाहें। सबसे पहले मैं ड्राई जिंजर डाल रही हूँ, जिसे सॉल्ट भी बोलते हैं, इमली की चटनी में इसका स्वाद अच्छा आता है, तो ये डाल दीजिए 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम। देन लाल मिर्च, काला नमक, जीरा पाउडर, और ये 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाला है, और ये सौंफ। अब हम इसमें डालेंगे शुगर, बस इतना काफी है, ये मैंने 2 टेबल स्पून डाली थी। अब इसे अच्छे से उबलने देते हैं और इसे पकने देते हैं। जितना अच्छा पकेगी उतनी अच्छी इमली की चटनी बनके तैयार होगी, थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, तब तक ये पकती रहेगी अपना धीमे आंच पे। और यहाँ बन रही है मेरी मीठी सॉल्ट, और इसे लगने वाला है थोड़ा टाइम पकने में, तो इसे तो हम यहीं पे छोड़ते हैं, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। साथ में मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपने किचन के लिए क्या क्या चीजें मंगाई है, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हो वो आपके होम स्क्रीन पर ऐसे पहुंच जाए बिना रुकावट के, है ना। क्योंकि अच्छी अच्छी जो रेसिपीज होती हैं वो अगर आपको देखनी है तो उसके लिए तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये रोटी कैसरोल, ये मंगाया है मैंने, और ये मैंने स्टेनलेस स्टील का मंगाया है। इसको 3.9 रेटिंग मिली हुई थी, इसीलिए मुझे ये पसंद भी आया, और 900 से ज्यादा लोगों ने रेट किया हुआ था। तो इसका ना आउटर बॉडी भी स्टेनलेस स्टील की है, ये देखिए, ये है इसकी आउटर बॉडी जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, काफी अच्छी फिनिश में आया है ये। इसके साथ एक मुझे जाली मिली है जिसे आप ऐसे नीचे रख सकते हो, और चपाती जब बनाते हैं हल्का सा जो पसीज नहीं जाती है रोटियां, तो वो पानी जो है नीचे की तरफ रहेगा और रोटियां आपकी फ्रेश रहेंगी, इस वजह से ये जाली काम में आती है। और इसके साथ मिलता है आपको ये लिड,
और ये जो लिड है ना ये ट्रांसपेरेंट है और ये ग्लास का बना हुआ है। इसका जो नॉब है ऊपर का वो भी स्टेनलेस स्टील का है। इस तरीके से कवर करके आप इसमें अपने घर के लिए चपातियां रख सकते हो। बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं बताती हूँ आपको मैंने स्टेनलेस स्टील का कैसरोल क्यों मंगाया रोटी के लिए। एक्चुअली क्या है, जब मैं किचन में कुकिंग करती हूँ ना किसी दिन मैंने ध्यान नहीं दिया, आजकल मेरे कुछ ज्यादा ही नुकसान हो रहे हैं पता नहीं क्यों। तो देखिए क्या हुआ मेरे साथ, मैंने यहाँ पे कुछ कुक करी होगी। इस साइड जब मैं कुक कर रही थी ना, इधर की तरफ आपने अक्सर देखा होगा मेरा ये वाला कैसरोल रखा रहता है जो कि है रोटी वाला कैसरोल, और एक दिन ये सुहा हो गया। मैं उस दिन पूरी बना रही थी, सकट पूजा थी शायद, हाँ सकट की पूजा थी, और मैं पूरियां वगैरह बना रही थी, काफी सारा खाना बनाया था। तो कब पता नहीं ये इधर रखा हुआ होगा और वो उधर मैं कुछ कुक कर रही होंगी और वो हीट से ये पूरा का पूरा खराब हो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ, तभी मैंने सोच लिया था एक नया मंगाऊंगी और इस बार जो मंगाऊंगी ना स्टेनलेस स्टील का मंगाऊंगी। तो यही रीजन है अगर कभी इधर उधर रह भी गया तो ये कम से कम इस तरीके से तो नहीं होगा। वरना मुझे बहुत पसंद है ये वाला कैसरोल, बहुत अच्छे से काम करता था, इसमें रोटियां भी बहुत देर तक गर्म रहती थी। इसका पता नहीं अभी जब मैं इसे यूज करूंगी तब मालूम पड़ेगा, लेकिन इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है इसीलिए मैंने मंगाया। चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट चीज दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो चीज मैंने मंगाई है ना वो मैंने इस पर्पज से मंगाई है। ज्यादातर क्या होता है जैसे हमने कुछ खाना बनाया, कोई चीज तली या फ्राई करी और उसका जो ऑयल बच जाता है उसे हम छान कर कटोरी में रख देते हैं, तो वो कटोरियां छोटी छोटी कटोरी एक इधर रखी है एक उधर रखी है, और इस तरीके से किचन में अगर कटोरियां दिखती है ना तो पर्सनली मुझे तो पसंद है ही नहीं खैर, लेकिन प्रशांत को तो बहुत ही गंदा लगता है। वो कहते हैं रीमा ये कटोरियां क्यों रखी हुई है तुमने किचन में इधर उधर। तो मैं कभी ऐसा करती नहीं हूँ, तो मैं क्या करती थी उसको ना किसी डिब्बे में ट्रांसफर करके तब रखती थी, प्लास्टिक का कोई डिब्बा ले रखा था उसमें ट्रांसफर करके रखती। लेकिन ये मैंने एक चीज देखी जो मुझे काफी पसंद आई, ये भी स्टेनलेस स्टील की है और इस टाइप से ना जार सा समझ लीजिए, पूरा बड़ा सा मग समझ लीजिए क्योंकि हैंडल भी लगा हुआ है, और इसमें आपको मिल रहा है स्ट्रेनर यानी कि छलनी मिल रही है जिसमें ऑयल जो है जो आप यूज करोगे इस्तेमाल करोगे वो नीचे छन के आ जाएगा, और ऊपर जितनी भी वो गंदगी रह जाती है वो जो ब्लैक कलर के पार्टिकल होते हैं या फिर कोई सब्जी रह गई है प्याज रह गई है वो पूरी तरीके से छन जाएगी। और कभी कभी हम पूरियां भी बनाते हैं तो पूरी वाला जो ऑयल होता है ना अक्सर वो मैं सेकंड टाइम में यूज कर लेती हूँ, इतना सारा ऑयल डालना पड़ता है पूरी बनाने के लिए, तो वो ऑयल जो है ऐसे फेंक तो नहीं सकते, तो उसे सेकंड टाइम में जरूर यूज करती हूँ। तो वो कहते हैं ना को ऑयल को बार बार नहीं रीयूज करना चाहिए, तो वो मैं ज्यादा बार नहीं करती, लेकिन एक बार का जो ऑयल होता है उसे सेकंड टाइम जरूर यूज करती हूँ, और ये डिपेंड करता है कि उसमें मैंने बनाया क्या। और इसको ना 4.5 रेटिंग मिली हुई थी, ये 299 रुपीस का है और ये 1.5 लीटर का है। तो ये तो आप लोग मुझे रेगुलर में यूज करते हुए देखोगे आने वाले ब्लॉग्स में। बहुत ही खूबसूरत सी चीज दिखाने वाली हूँ जो मुझे मतलब ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी अमेजोन पर और मुझे इतनी पसंद आई तो मैंने मंगा ली, और आई भी बहुत अच्छी है वैसे, मैंने ओपन करके देख ली क्योंकि ग्लास का आइटम था। तो ये है बहुत ही खूबसूरत ऑयल डिस्पेंसर, इसके साथ नॉब भी आई है ये भी जो की स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, और इसमें ना बहुत सुंदर सुंदर कलर है। इसमें दो कलर और मिल जाएंगे, एक है क्रैनबेरी और दूसरा है ग्रे, लेकिन मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद आया, ये ऑरेंज कलर है। इसकी रेटिंग भी अच्छी थी, 4.1 रेटिंग मिली हुई थी। तो इस टाइप की नॉब मिल रही है हमें इसके साथ, जिसे इस तरीके से आपको लगा देना है। कितना फैंसी सा ऑयल डिस्पेंसर है ना, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था मेरे को ये देखिए। और यहाँ पे ना एक छोटी सी वो भी दे रखी है कवर करने के लिए, जिससे कि अंदर कोई कहते हैं इंसेक्ट ना जाए, तो इसी वजह से। तो देखिए कितनी प्यारी है ना, जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा था ना अमेजोन पे तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई पेट्रोल पंप के लिए नहीं जाते और वो नॉब सी रहती है उसमें पेट्रोल डालने के लिए, बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है देखने में। इस टाइप के ना और भी हैं सिरामिक के जो अलग अलग डिजाइन में मिल जाएंगे, तो जब आप इस लिंक को ओपन करोगे तो उसके नीचे ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, तो आप अपनी पसंद का कुछ भी ले सकते हो। मुझे ये बहुत पसंद आया इसलिए मैंने ये लिया, तो इसमें भी ऑयल कर देंगे। अब एक और चीज दिखाती हूँ, मैं आपको बोल रही थी ना मेरे पास कोई तवा नहीं है, और जो मेरे पास तवा था ना फ्यूचरा का वो अब इतना यूज कर लिया है मैंने 6 साल में कि वो बिल्कुल घिस चुका है। अब उस पर कुछ भी बनाती हूँ, जैसे उस दिन मैंने चीला बनाने की ट्राई करी तो चिपक गया, फिर मुझे कैरी आउट वाले पैन में बनाना पड़ा, किनारे हैं लेकिन उसमें तो हाथ जलने का बड़ा डर रहता है। ये देखिए इमली की चटनी बन के तैयार हो गई है, बहुत अच्छे से पक भी गई है, खुशबू तो बाय गॉड बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे, मुझे थोड़ी थिक पसंद है, हल्की सी थिक हो जाए थोड़ा रखने के बाद भी होगी। तो मैं आपको कैरी आउट का तवा दिखाने वाली थी, और एक बात और बोल रही थी कि कैरी आउट पे मुझे अब इतना भरोसा हो चुका है क्योंकि मैं जब से मैं वो पैन यूज कर रही हूँ और इस पैन में बहुत अच्छे से चीजें
सौते हो जाती है, जलती नहीं है, फ्राई हो जाती है, तो मुझे बहुत पसंद है वो पैन। इसी वजह से मैंने ये वाला तवा मंगाया। मैंने आप लोगों से भी सजेशंस लिए थे, आप लोगों ने बोला कास्ट आयरन काफी बेटर रहता है डोसा, अगर आपको डोसा पर्टिकुलर बनाने के लिए चाहिए तो। डोसा मैं इतनी रेगुलर में नहीं बनाती हूँ, वंस अ व्हाइल बनता है मेरे घर डोसा, और जो चीला है वो मैं ज्यादातर बनाती हूँ, और बाकी सारी जो चीजें होती है ना वो सबके लिए मुझे लगा ये बेस्ट है, उसमें सीजनिंग करनी पड़ेगी एवरी टाइम। आज इसका इनॉग्रेशन होगा, आज नए तवे पे बनेंगी रगड़ा पेटी। वाओ कितना सुंदर है ये, रियली बहुत अच्छा आया है, और इसका साइज देखिए कितना बड़ा है, बहुत सुंदर तवा आया है यार। किनारे भी इसके ज्यादा नहीं है और कम भी नहीं है। देखो इसको मैंने देखा अभी जस्ट 4.2 रेटिंग मिली हुई है, 6,500 लोगों ने परचेज किया हुआ है, तो कुछ तो बात होगी इसमें रियली। तो मैंने ये जो मंगाया है ना, ये मैंने 28 सेंटीमीटर वाला मंगाया, बड़ा साइज मंगाया, इसमें 24 सेंटीमीटर वाला भी मिल जाएगा आपको। नॉन स्टिक कुकवेयर और ग्रेनाइट की इसकी कोटिंग है, तो इसका प्राइस है 1,179 रुपीज। अब एक और चीज दिखा देती हूँ आपको, लास्ट चीज बची है मेरे हॉल की, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सर्विंग स्पून का सेट है, मेरे पास गोल्डन में ऑलरेडी सर्विंग स्पून का सेट है, जो कि मैं जब कभी गेस्ट आते हैं या कभी खुद को बड़ा फैंसी सा ट्रीट कराने का मन करता है तब मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उनकी कोटिंग मुझे लगता है कभी उतर ना जाए, थोड़ा सा रहता है ना दिल में, और फिर आप ऐसे उसे डाल भी नहीं सकते डेली क्लीनिंग में, तो इसीलिए मैंने स्टेनलेस स्टील के मंगाए जो मैं रेगुलर में इस्तेमाल कर सकूं। एक टाइम था जब मैं अपनी चीजों को सेट के रखती थी और मैं उन्हें जब यूज करती थी जब घर में कोई गेस्ट आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैंने क्या किया है, अब मैं अपने लिए भी अच्छी क्वालिटी वाली चीजें यूज करती हूँ। मेहमानों को ही क्यों हमेशा खुश करना, खुद को क्यों नहीं खुश कर सकते हम, जब हम इतना मेहनत करते हैं इतना परेशान होते हैं दिन रात, तो खुद को भी अच्छा ट्रीट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कभी मन होता है ना, अच्छे से डाइनिंग टेबल लगाती हूँ, अच्छा अच्छा सर्विंग करती हूँ और अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना खाती हूँ, उससे मुझे खुद को अंदर बहुत खुशी मिलती है। तो देखिए यहाँ पे सर्विंग स्पून, यहाँ पे हैं दो इस टाइप के स्टेनलेस स्टील के चमचे, तो ये सर्विंग स्पून है, ये दो बड़ी वाली है और एक ये इस टाइप से है स्पैचुला टाइप का, तो ये मुझे काफी पसंद आया है। और ये 616 रुपए में 5 का सेट मिला है मुझे, जो कि काफी रीजनेबल है यार। 5 इतनी बड़ी बड़ी स्पून मिल गई हैं आपको, मार्केट में भी नहीं मिलेंगी यार इतनी सस्ती, तो 616 रुपए ही तो है केवल, और इसमें आपको 5 सर्विंग स्पून मिल रही हैं, मुझे तो बहुत पसंद आया ये। इसको भी रेटिंग 4 अबव मिली हुई है, तो अच्छी चीज है और ये रेगुलर में इस्तेमाल करने के लिए बेटर है। तो ये थे कुछ सामान जो मैंने रिसेंटली परचेज किए हैं अपनी किचन के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर मैंने किसी के प्राइस बताना भूल गई हूँ तो आप ना लिंक पे जाकर चेक कर लेना, आपको प्राइस डिटेल सब कुछ मिल जाएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, तो चेक करना मत भूलना, और आपको जो पसंद हो वो आप अपने लिए खरीदिए। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश जो कि मुझे पसंद है, तो मैंने थोड़ी बहुत डाली है, और थोड़े से मैं इसमें मेलन सीड्स डालूंगी, आप इसमें डेट्स भी काट के डाल सकते हो। ये देखिए यहाँ पर थोड़े से काजू भी डाल दिए, अब बन गई ना बिल्कुल एकदम शाही इमली की चटनी। ग्रीन चटनी मेरी बन चुकी है फ्रेश फ्रेश, और मेरी जो सॉस थी ना मीठी सॉस बनके तैयार हो चुकी है, इसे मैं ट्रांसफर कर लूंगी और इसे स्टोर कर सकते हो 3 to 4 months। और यहाँ पर जो मेरा दही है ना उसमें क्या करूंगी, मैं थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी। ऑयल में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, अब थोड़ी सी अदरक डाल रही हूँ, और जो मटर मैंने बॉईल करा था ना वो अच्छे से बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हो इसी तरीके से थोड़ा सा गल जाना चाहिए, और इसमें कुछ मसाले भी डाल सकते हो। और जो चटनी हमने बनाई है वो बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी वो भी डाल देंगे तो उसका भी स्वाद बहुत बढ़िया आ जाएगा। यहाँ पे डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, ये गया इसमें गरम मसाला, यहाँ पे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मीठी सॉल्ट और थोड़ी सी अपनी चटनी। अभी बज रहे हैं 5:30 के अराउंड, और मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर इवनिंग स्नैक्स यानी कि रगड़ा पेटी। तो रगड़ा पेटी के लिए मैंने यहाँ पर 5 to 6 पोटैटोज लिए थे जिनको मैंने ग्रेट कर लिया था। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रहे हैं, और इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, जो जीरा होता है ना भुना हुआ उसका पाउडर भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई,
और खूब सारा मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती ली है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे सारी चीजों को। हाथ से ज्यादा अच्छे से मैश होगा इसीलिए मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे मेरी इसकी भी पैटी बिल्कुल आराम से बन जाएगी, बिल्कुल टूटने नहीं वाली है, लेकिन मैं फिर भी हल्का सा इसमें ब्रेड क्रम्स जरूर मिलाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ना एक ब्रेड की ही ली थी और इसको मैंने इसके साथ मिक्स कर लिया। और बातों बातों में मैं एक चीज तो भूल गई, इसमें नमक ऐड करना। मुझे लग रहा है नमक इसमें कम है थोड़ा सा। तवे को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया है यहाँ पर। तो मैंने इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल डाल दिया था जिससे कि ये बिल्कुल हाथों से चिपके नहीं और हमारे हाथ भी ग्रीस है। अब हम टिक्की बनाएंगे। टिक्की का साइज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगी कि छोटे साइज की टिक्की बनाइए, क्योंकि फिर वो बड़ी बन जाती है ना तो ज्यादा अच्छे से सिक नहीं पाती है। अब उनके पास तो, हलवाइयों के पास तो बड़े बड़े तवे होते हैं तो वो ये काम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो छोटे साइज की बनाओ। जैसे कि ये ऐसे ही सारी टिक्कियां बना के तैयार करके मैं यहाँ पे रखूंगी, फिर इन्हें सेकूंगी। थोड़ा सा ऑयल मैं डालूंगी इसमें क्योंकि अच्छे से सिकनी चाहिए ना। टिक्कियां बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई थी। सारी टिक्कियां मैंने एक करके तवे पर लगा दी और इसमें 10 टिक्कियां पूरी आ गई थी इस तवे पे। काफी बड़ा तवा है ये और बहुत आराम से सेक भी रही थी। दोनों तरफ से मैंने लाल लाल सेक ली थी, बिल्कुल भी नहीं चिपकी, ना टूटी ना बिखरी। तो इसी मेथड से आप लोग भी बनाना घर में रगड़ा पैटी। और पैटी हमारी जब बन के तैयार हो जाएगी तब हम इसको बिल्कुल असेंबल करेंगे। जैसे दुकान वाले भैया नहीं लगाते टिक्की की शॉप पे जब हम जाते हैं पत्तल में, तो बस वैसे ही मैं भी आज लगाने वाली हूँ घर में टिक्की का ठेला। हाँ, बहुत अच्छी बनी है। इनको देख के मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। बहुत सुबह सुबह दो पराठे खाए थे मेथी के, तो अब भूख लग रही है तेज वाली। और बहुत ही सही बन रही है यहाँ पर। एक मैंने अभी डाली है, बाकी सारी सीख चुकी हैं। मैं अपने लिए स्टील की प्लेट में इसलिए बना के लाई हूँ क्योंकि इसमें मेरा बचपन है। क्योंकि तुम्हें याद है स्टील की प्लेट या कटोरी में ही देते हैं, अभी भी देते होंगे वहां पे। मेरा मन करता है कभी कभी बुलंदशहर जाने का, जाऊंगी कभी। और वो और राज राजेश्वर मंदिर है ना, वहां जाने का मन करता है, जो कि बुलंदशहर का सबसे फेमस और कह लीजिए प्राचीन काल का मंदिर है। राजराजेश्वर शिवजी जी की मूर्ति है वहां पर, जहां पर मैंने बहुत टाइम पूजा करी है, 16 सोमवार के व्रत रखे जब मैं मिला हूं। और वहां पर एक दुर्गा माँ की भी मूर्ति थी और वहां पर नवरात्रि में वो सब होता था, हवन वगैरह, बहुत अच्छा लगता था। नवरात्रि में जगराता होता होगा यार, ये बिल्कुल वैसी है जैसा मैं खाती थी बचपन में। एग्जैक्ट, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया सच में। यही दो लाइनें आती हैं अंग्रेजी में। यम्मी यम्मी रगड़ा पेटी के साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मजा आ जाएगा, आप भी वीकेंड पे बनाओ, नहीं तो किसी दिन इवनिंग में बना लो।